गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून, गॉड ब्लेस यू नितेश। आई एम फाइन। नूर इज न्यू स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून। मैसेज फर्स्ट टाइम आया। गुड आफ्टरनून। जॉनी सो के उठे अभी? बढ़िया बढ़िया। जगजीत कौर जी, आई एम वेटिंग for 2 minutes more so that all the students can join. काफी लेट ज्वाइन करते हैं आप लोग सब, काफी ज्यादा लेट। फ्राइडे तो वैसे भी मतलब कि आपको कल देखो, मुझे तो नहीं लगता मेरे पास कल टाइम होगा। गॉड ब्लेस यू। हाँ, सबने दिवाली सेलिब्रेट करनी है। बाय रितेश। ओके, गॉड इज ऑलवेज प्लीज। नहीं लेती, नहीं लेती क्लास, देख लूंगी फिर भी। गुड आफ्टरनून जो, यस क्या बजी फॉर फोर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ट्राइंगल्स नाउ। बोर्ड की फोकसिंग सही है, इससे मुझे राइटिंग पोर्शन भी ज्यादा मिल जाएगा। चलो, हमने आज करना है कोसाइन रूल। फर्स्ट हमने करना है
कोसाइन रूल, ओके। ध्यान से समझना, बी पेशेंस, और जिस स्टेप पे ना समझ लगे प्लीज रेज योर हैंड। दिस विल बी सी, दिस विल बी बी, दिस होल विल बी ए, दिस विल बी एक्स एंड दिस विल बी ए माइनस एक्स, ओके, एंड दिस इज एच। एच स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस एक्स। C square is equal to h square plus x square in triangle ABC. Okay, then b square, इसमें से h square की value निकाल ली। h square की क्या value होगी? C square minus x square. Okay, then we next move to in triangle ADC. B square is equal to x square plus a minus x square. X square इसमें से क्या आ गया? B square minus a minus x का square. ठीक है? Left hand side is equal, ये दोनों बराबर है, left hand side तो right hand side भी equal होगी. C square minus x square is equal to b square माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, कितना समझ लगा बच्चे? अभी जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, उसमें से h की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दी है, फिर उसे आगे सिंप्लीफाई करने लगी हूं, ओके। c स्क्वायर माइनस x एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए बच्चे, मेरी तरफ से नहीं है, तेरा ही इस वक्त नेटवर्क ज्यादा बिजी हो जाता है। दो मिनट में एक स्टेप करके दोबारा से रिपीट करती हूँ। जिस सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ठीक है? देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर लगाई बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक समझ लग गई? यहां तक समझ लग गई? नेक्स्ट, ये एच और ये एच आपस में इक्वल होंगे। रिबका मैंने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाई है इन दो ट्रायंगल्स में, एक पर पेंडिकुलर ड्रॉप की, ये मान लिया एक्स है तो ये ए माइनस एक्स आ जाएगा। ये कल भी करवाया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, ठीक है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, इन दोनों को कर दिया इक्वेट कर दिया, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी लगा दिया, सारा सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर करते गया, मेरे पास इतना बच गया, ठीक है? अब मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है,
अब मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, ओके मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये देखो इस ट्रायंगल में देखा जाए एक्स बाय सी इज इक्वल टू ये थीटा कॉस थीटा, एक्स बाय सी इज कॉस थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू सी कॉस थीटा, एट व्हाट इज एक्स इक्वल टू सी कॉस थीटा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए सी कॉस थीटा। कितना लग गई समझ, इज दिस क्लियर? मैंने ही रेज करना है, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है सी कॉस थीटा, कितना समझ लग गई, सी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए सी कॉस थीटा। बच्चे एक्स बाय सी इज इक्वल टू कॉस थीटा इन ट्रायंगल एडीबी, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई सी कॉस थीटा, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, मैंने रेज किया ही नहीं है बच्चे, वो दोबारा से लिखा है, वो ऊपर करके दोबारा से लिख दिया है। इसमें से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय टू ए सी, बच्चे ये तो आ गया ना, जैसे अगर हम देखा जाए हमारे पास आ गया बी, मीन्स जब ये बी पे एंगल बनता है तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये एंगल सी पे बने, अगर ये थीटा एंगल सपोज करो सी पे हो, फिर क्या बनेगा, इरेज कर दूं, समझ लग गई है, समझ लग गई है, इरेज कर दूं। बच्चे ये सब आपको निकाल के दिखा लूं, लेकिन आपके यूज का सिर्फ ये चीज है, आपके यूज की सिर्फ ये चीज है, ये सब कंसेप्ट क्लैरिटी है, ओके दिस ऑल इज कंसेप्ट क्लैरिटी, ओके आपके यूज की सिर्फ ये चीज है, बाकी सारी आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए।
बच्चे सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही थी। ओके, ये समझ लगी है? डिड यू गेट इट? बच्चे मैं आपको पूछ रही हूँ, मैम आ गए, मैम चले गए, बंद करो अब। समझ लग गई? नेक्स्ट, अगर पॉज ए लिखना हो, पॉज ए होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2ab। ओके, नेक्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व द क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी इज 2 रेशियो 3 रेशियो 4। 2 रेशियो 3 रेशियो 4। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एंगल सी एंड एंगल ए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एंगल सी एंड एंगल इन द एंगल ए बी सी एंगल ए रेशियो एंगल बी वेट देन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एंड पॉज। पॉज नहीं है वीडियो, मैं बोल ही नहीं रही। आप स्टेटमेंट सम करो। बच्चे है तो है, वीडियो लिखा हुआ है, पढ़ो। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, आंसर दो गुरप्रीत। हाँ, क्या सेम प्रॉब्लम? ये इसी का आंसर बताओ, क्या आना है? सबका हो गया डिफरेंस। आई एम कैलकुलेट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एंगल सी एंड एंगल ए। ज्योतिका, हाँ जी, 40 इज द आंसर। सबका हो गया या करके दिखाऊं?
प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिससे हमारा x आ गया 20 डिग्री, 20 डिग्री तो 4x माइनस 2x किसके इक्वल आ गया 2x, 2 इंटू 20 इज 40, ओके सो 40 इज द आंसर. Now we will go do with types of triangles. Would be 2x plus 3x plus 4x is 180. इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी 20. 4x minus 2x, 2x is the difference. 2 into 20, 40 will be the difference. Okay. Now next we are going to do with types of triangle. हम इसकी बहुत सारी properties detail में करेंगे. Now types of triangles on the basis of angles. हम triangles की type करेंगे on the basis of एंगल. ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमारे पास तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हमेशा एंगल जो होगा सारे लेस देन 90 हो गए, ठीक है, बाकी राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा और ऑब्ट्यूज में एक एंगल ग्रेटर देन 90 होगा, लेस देन 180 होगा. ओके समझ लग गई. बच्चे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हर एंगल लेस देन 90 होगा, ऑब्ट्यूज में एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा और ऑब्ट्यूज में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा. ओके क्लियर. नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पे हमारे पास कितने तरह के ट्राइंगल होते हैं. फर्स्ट स्केलिंग इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती, इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती. आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें एक दो साइड आपस में इक्वल होती है, इसमें दो साइड आपस में इक्वल होती है. और नेक्स्ट इज इक्विलेटरल. नेक्स्ट व्हाट इज दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें हर एक साइड तीनों साइड्स इक्वल होती है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है उसमें एंगल्स भी इक्वल जाते हैं 60 डिग्री ईच. अब मैं आपको इसकी भी एक्सप्लेनेशन देती हूँ. आइसोसेलेस में दो एंगल्स आपस में इक्वल भी होते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी.
ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ। इतना समझ लग गया? इतना समझ लग गया सबको? क्या घर? बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है और इसमें सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और उनका सम होता है और हर एंगल 60 डिग्री के इक्वल होता है। ये सब आपको डिटेल में समझाती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ओके? सो बी पेशेंस। नेक्स्ट करें, बच्चे दिवाली के बाद ट्रायंगल खत्म करने के बाद हम सिलॉजिज्म वगैरह ऐसा का कुछ शुरू करेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है सीएपीएफ में ज्योमेट्री का पोर्शन नहीं है, सीडीएस में तो है, ओके? फिर हम सीएपीएफ में मोस्टली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में करेंगे फोकस। नेक्स्ट बच्चे, एक सबसे बड़ी एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल्स की कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं, मींस अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, ये प्रॉपर्टी होती है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, घंटा क्यों? ए बी देख लेना इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी,
इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी टोकरी ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी देन एंगल ए देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री अब सारे इक्वल है मीन एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 थ्री एंगल ए इज इक्वल टू 180 तो एंगल ए किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री के इसका मतलब इक्विलेटरल एंड ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री समझ लग गई डिस्कनेक्ट बच्चे ए बी सी एंगल ए एंगल बी एंगल सी के इक्वल है एंगल ए एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो मैंने पुट किया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री सभी में एंगल ए पुट कर दिया थ्री एंगल ए 180 एंगल ए किसके इक्वल है 60 इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स किसके इक्वल है 60 डिग्री के समझ लग गई बच्चे वो रिपीट क्योंकि ये काफी इजी टॉपिक था ज्योति का जब डिफिकल्ट आता है तो मैं बिल्कुल स्लो करवाती हूँ समझ लग गई है जिसको नहीं समझ लगी वो बताओ क्योंकि नेक्स्ट कंसेप्ट समझ लग गई है रिबका दोबारा से समझाओ अच्छा ए बी सी एंगल ऑपोजिट इक्वल अगर ये सारी साइड इक्वल है मीन ये सारे एंगल्स इक्वल है ठीक है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के इक्वल है एंगल ए एंगल ए एंगल ए कर दिया 180 थ्री एंगल ए 180 एंगल ए किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री के इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल होते हैं 60 डिग्री के इक्वल अब लग गई रिबका समझ नेक्स्ट बच्चे अब हमने हमेशा मानना है ध्यान से ये चीजें समझना अब मैं बहुत धीरे धीरे कराऊंगी कि आपको समझ लगे हमेशा किस एंगल में हमेशा किसी भी ट्रायंगल में एक रूल फॉलो करना है कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो सी है जो सबसे बड़ा एंगल है वो सी है सबसे बड़ी साइड भी सी है ए और बी जैसे मर्जी हो अब हमने कोसाइन रूल यूज करके साइड्स की कंडीशन निकालनी है कब एक्यूट होगा ट्रायंगल कब ऑब्ट्यूज होगा और कब स्क्वायर वो होगा राइट एंगल ये बी ये ए ओके
सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab डिवाइडेड बाय 2ab। ओके कॉस सी इसके इक्वल है, इतनी समझ है। अब अगर कॉस, अगर आप कॉस सी, सी जो है लेस देन 90 हो, ये सबसे बड़ा एंगल है सी, सी अगर लेस देन 90 हो तो ट्रायंगल क्या होगा, एक्यूट। ठीक है, इसका मतलब मैं एक्यूट की कंडीशन, और सी लेस देन 90 पे कॉस सी हमेशा क्या जाता है, पॉजिटिव। cos c हमेशा क्या जाता है, पॉजिटिव। दैट मींस cos c इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस cos c इज ग्रेटर देन 0, व्हिच मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab इज ग्रेटर देन 0। ओके मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, व्हिच इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। ओके अब हम अगर हमारे पास कोई भी पहले आ जाएंगे ना कि किस तरह का ट्रायंगल फाइंड करता है, बंदर हम इन ऐसे तीन कंडीशन फाइंड करेंगे, फिर हम इक्वल फिर हम निकाल लेंगे। ये समझ लग गई, ये इतना कंसेप्ट, एक्यूट एंगल की ये कंडीशन आपने याद रखनी है, ये आप याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं है, ये आपको कंसेप्ट समझाने के लिए था, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। बच्चे अगर आपको ये समझ आता है ठीक है, नहीं आता ये आपके यूज का नहीं है, आपने सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है, फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, और इसे सम्स में डायरेक्टली यूज करना है। ओके समझ लग गई। अब ऐसे मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल की निकाल के दिखाती हूं। ओके राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, सी 90 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 किसके इक्वल आ गया, जीरो, मींस कॉस सी इज जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। समझ लग गई, ये समझ लगी, cos 90 इज इक्वल टू 0, ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन, विच इज पाइथागोरस थ्योरम। समझ लग गई, everyone got it, this is a condition for the angle to be right angle triangle। ab aayi obtuse angle ki, obtuse angle mein angle c will be greater than 90 degree, jab c 90 se bada hota tha to cos mein cos c kya ho jayega, negative, cos c kya ho gaya, negative, cos c negative means cos c is less than 0, which implies this is less than 0,
मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज लेस देन जीरो, विच मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर. ओके, ये कंडीशन. अब मैं आपको तीनों कंडीशन दिखवा देती हूँ. ओके, फिर आपने उन्हें याद रखना है. लिखवाओ, ध्यान से लिखना. इसे आप अपने नोट्स में ऐसे लिख लो, हाउ टू फाइंड ट्राइंगल टू बी एक्यूट राइट एंगल्ड और obtuse. This is very important. How to find? लिखो बच्चे, एंगल सी को हमेशा बड़ा माना. ए बी सी विल बी द लॉन्गेस्ट साइड फॉर एक्यूट एंगल. फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर. दीज थ्री कंडीशन यू हैव टू लर्न. ओके, क्लियर है इतना? इज दिस क्लियर? जो मैंने पीछे करवाया वो समझने के लिए था, ये आपको याद रखना है बस, आपके लिए इतना काफी है. ठीक है, सी द रिकॉर्डेड लेक्चर रोहित. आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था. अब दो तीन सम पिछली दो थ्योरम्स के बेस पे. डन. नेक्स्ट करें क्वेश्चंस. बच्चे इसके बाद मैंने ट्रिपलेट्स करवाने हैं. जिसके बाद आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा. ओके,
नेक्स्ट नेक्स्ट विल बी ट्रिपलेट्स नहीं क्वेश्चन फाइंड वेदर 578 जो है वो कौन से टाइप का ट्राइंगल है फाइंड विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज 578 एक्सपोनेंट स्केलिंग वेरी गुड समझ लग गया इसका मतलब आप सबको ये कंसेप्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रिपलेट्स जो आपका अलजेब्रा का भी पोर्शन कवर करेगा थोड़ा सा इसलिए ट्रिपलेट थोड़े ध्यान से करना ट्रिपलेट्स बच्चे ट्रिपलेट जैसे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है ना तो ए बी सी क्या बनाते हैं ट्रिपलेट क्या बनाते हैं ट्रिपलेट जिसमें सी क्या जाती है आपकी हाइपोटेन्यूज इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर तो ये आपके क्या होते हैं ट्रिपलेट्स ठीक है इसमें भी दो तरह से होते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव इसमें भी दो तरह से ट्रिपलेट्स होते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव जो प्रिमिटिव होते हैं उसे एक ट्रिपलेट से मल्टीप्लाई कर करके अगले ट्रिपलेट बना लेते हैं नॉन प्रिमिटिव जो आगे नहीं होते इसका आपका कोई यूज नहीं है 3, 4, 5 अगर ट्रिपलेट है 3, 4, 5 इज तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6, 8, 10 वो भी ट्रिपलेट होगा इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9, 12, 15 तो वो भी ट्रिपलेट होगा ट्रिपलेट जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है वो आपका क्या बनाता है ए बी सी ट्रिपलेट होंगे इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हमारे पास ट्रिपलेट भी दो तरह से होते हैं प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव वो ट्रिपलेट्स होते हैं जिसे मल्टीप्लाई कर करके हम आगे ट्रिपलेट्स और बना सकते हैं लाइक 3, 4, 5 अगर हमारा ट्रिपलेट है तो इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 6, 8, 10 ये भी ट्रिपलेट होगा इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 9, 12, 15 वो भी ट्रिपलेट होगा ओके समझ लग गई नो आप मल्टीप्लाई कर करके देखी जाओ ऐसे कितने प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स आपको
मिल जाएंगे। नॉन प्रिमिटिव में से आगे नहीं मल्टीप्लाई करके बनते, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। इन योर सिलेबस इज ओनली प्रिमिटिव ट्रिप्लेक्स। नेक्स्ट, अब आपके पास कोई ऐसे ही दिया हो, आपने कैसे फाइंड करना है कि वो ट्रिपलेट है या नहीं, ठीक है। जैसे ये हमने सबसे छोटा नंबर ले लिया, अब हमने चेक करना है कि वेदर दिस इज ट्रिपलेट और नॉट, वो तो कंडीशन हो गई, ठीक है। अगर हमने ट्रिपलेट बनाने हैं, सपोज करो आपके पास नंबर है 5 का हमने ट्रिपलेट बनाना है, ठीक है। 5 का हमने ट्रिपलेट बनाना है, ये ऑड है, इसको स्क्वायर करो, -1 करो, डिवाइड बाय 2, दिस इज कॉल्ड ऑड नंबर। एक ये आएगा 5 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आगे आपको ट्रिपलेट बनाने का तरीका। 5, 12, 13, दिस इज अ ट्रिपलेट, ओके। ये ऐसे बनेंगे, मीन्स अगर ऑड है उसको स्क्वायर करो, -1 डिवाइडेड बाय 2, नहीं तो स्क्वायर एड 1 डिवाइडेड बाय 2, ये दो नंबर उसके क्या आ जाएंगे, ट्रिपलेट। समझ लग गई, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर बच्चे, फटाफट बताओ। इफ ऑड है, ये दिस इज व्हाट, इफ द नंबर इज ऑड। नेक्स्ट हम करेंगे इफ द नंबर इज इवन। बच्चे ये मैटर आपको कहीं से नहीं मिलना, इफ द नंबर इज इवन, लाइक इफ यू हैव नंबर 6, अगर आपके पास नंबर 6 है, इसे डिवाइड बाय 2 करो, इसे डिवाइड बाय 2 किया, 3, उसका स्क्वायर -1, स्क्वायर +1, 6, 8, 10, दिस इज ऑल्सो ट्रिपलेट। समझ लग गई, इफ द नंबर इज इवन उसको पहले 2 से डिवाइड करो, उसका स्क्वायर करो -1, स्क्वायर करो +1, वो बन जाएगा आपका नेक्स्ट ट्रिपलेट। समझ लगा, बच्चे एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपको नेक्स्ट करवाई जाऊंगी, अभी आप कंसेप्ट पे फोकस करो, क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ओके।
क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आप लिख लीजिए, मैं आपको फोटो भेज दूंगी, वो आप याद रख लेना। ओके, आई विल सेंड यू द पिक ऑफ फेमस ट्रिपलेट्स, वो आप अपने दिमाग में बिठाना। अब नेक्स्ट करवाना था आपको, अगर बड़ी वैल्यू दी हो तो उससे बाकी ट्रिपलेट्स निकाल ले, मीन्स ये छोटी थी ना इससे निकाल लिए। अगर आपको लास्ट जैसे 10 जैसे निकालने हैं, वेट फॉर अ व्हाइल। नहीं, ये आपका क्वेश्चन है कुछ और। बच्ची आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इफ देखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे। इफ ए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 85, देन व्हाट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होगा। ठीक है बच्चे, ये ऑड है, ये ऑड है, ठीक है, दिस इज ऑड। ऑड में हमने क्या करना है, इसमें से वन माइनस करो, इसमें से पहले वन माइनस करो, टू इंटू 84 करो, क्या आ गया 168, ठीक है, प्लस 1 कर दो तो वो क्या आ जाएगा 169, तो वो क्या आ जाएगा 169। ठीक है, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 13 के इक्वल। उसमें से एक नंबर आ जाएगा 13। ओके, एक हमेशा इसमें से माइनस करके होता है, 13 84 85, तो ये प्लस करके कितना आ गया 102। सच, समझ लग गई, समझ लगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 85 के इक्वल है तो इसको, ये ऑड है, माइनस वन किया क्या आ गया 84, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 168, और उसमें से 1 प्लस किया आ गया 169, उसका स्क्वायर रूट कर दिया आ गया 13। दो 13 84 85, आपके क्या होंगे ट्रिपलेट, ये हमेशा एक कम ही जाता है। अगर ऑड हो लाइक इट्स 120, इसमें सीधा प्लस 1 करो, ठीक है, स्क्वायर रूट कर दो तो आ जाएगा 11 19 and 1।
ओके बच्चे, ये मैं आपको कल दोबारा से करवाऊंगी, ये रहने दो अभी, ये मैं एक बार डिटेल में कल दोबारा से समझाऊंगी। ओके आप फेमस ट्रिपलेट्स नोट डाउन करने तो कर लो। ओके आई विल एक्सप्लेन यू दिस टुमारो। वैसे तो आपको समझ लग गई होगी, लेकिन मैं कल दोबारा से समझाऊंगी। ओके सो टू ऑल ऑफ यू हैप्पी दिवाली। कल नहीं तो बच्चे परसों हो जाएगी, मतलब कि मंडे। थैंक्स, हैप्पी दिवाली, मे दिवाली बीइंग प्रॉस्पेरस एंड हेल्थ टू योर फैमिली। यू ऑल एंजॉय दिस फेस्टिवल। कौन कौन क्रैकर बर्न करता है? हैप्पी दिवाली।